नमस्ते नमस्ते जी सर। तो कुलदीप जी, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जिस वजह से हमने आपको वीडियो कॉल की है। ठीक है, आज आपका अनुभव जाना जाएगा ई फीड में, तो अपने बारे में पहले आप बताइए और अपना पता, आप कहाँ से हैं, सारी चीज़ें बताएं। मेरा नाम कुलदीप है, नया गांव सांडी हरदोई उत्तर प्रदेश से। अच्छा, हमने जो है इसका ई फीड का एड देखा था फेसबुक पर। अच्छा, तो हमने वहीं से डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें जो है जानकारी मिलने लगी पशु के बारे में, फैट स्नप कैसे क्या खिलाना है, कि मतलब जो एक पशु का क्या फीड देना है। तो ये सब बातें जो हमें उस पर, जो एप था ई फीड का, उस पर देखी हमने ये सब चीजें। उसके बाद में हमने जो है ई प्रीमिक्स के लिए संपर्क किया, तो हमारा ई प्रीमिक्स आया, क्योंकि हमारे गाय और गाय के जो दूध गाय या भैंस का था उसमें फैट स्नप डाउन रहता था। अच्छा। तो वो ई प्रीमिक्स जो था वो हमने जब यूज किया, तो हमारे गाय का फैट और स्नप सही रहा, गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। अच्छा। गाय भैंस जिसे भी हमने किया। उसके बाद में जो है हमारी गाय को लंपी हो गया। अच्छा, ये जो लंपी इस टाइम चल रहा है, इस समय तो लंपी बीमारी बहुत चल रही है, ये आपके गांव में चल रही है? गांव में हमारे बहुत पशु हैं, एक दो पशुओं को हमारे पास जो फीड का लंपी सुरक्षा कवच रखा है। हाँ। तो वो हमने एक दो किसानों को दिया है, उन्हें भी आराम है, और हमारे जो है गाय को हो गया था, उसे तो काफी असर आराम है। अच्छा, आपकी गाय को आप दिखा सकते हैं कि किसको आपने दिया था? हाँ, अभी दिखा सकते हैं। हाँ। बैक करके दिखाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये गाय है हमारी। अच्छा। और इसके यहाँ पर, और ये देखिए इसके पैर में, एक पैर में अभी हल्की सी स्वेलिंग रह गई है, पहले बहुत ज्यादा थी। अच्छा। गांठे आठे इसकी बहुत कम हो गई है। अच्छा, कुलदीप जी थोड़ा कैमरा दूर करके दिखाइए, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा और दूर करिएगा। हाँ, अभी अभी दिखाइए पास में लेके जाके। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ हाँ, बताए जो है इसके, ये एक पैर में सूजन आ गई इसमें। अच्छा, अच्छा। बहुत काफी ये पैर सूज गया था, और इसकी जो ये धार दिख रही है, ये सब बहुत इसमें स्वेलिंग थी। अच्छा। हाँ, ये पूरा ये सब इसमें पूरा ये सब सूज गया था, इसमें सब स्वेलिंग थी, और हल्की हल्की सी ये चकत्ते देखिए। ये हाँ, हाँ। ये देखिए ये तो कुलदीप जी, अभी कितने दिन हुए आपको लंपी सुरक्षा कवच यूज करते हुए? अरे, हमने वही मान लिया 4 या 5 टाइम दिया इसे। अच्छा, अभी तो, वही हाँ 4-5 बार दिया इसे। अच्छा, 4-5 बार दिया आपने, 4-5 दिन से यूज कर रहे हैं? नहीं, 4-5 दिन से नहीं यूज कर पाए इसे, बस हमने 4-5 बार खिलाया है। अच्छा, 4-5 बार खिलाया है, तो अभी कैसा रिजल्ट देखने को मिला है? गाय सही है हमारी, और ये काफी असर काफी हद तक सही है। अच्छा, मतलब उसके स्वास्थ्य में वो चकत्ते वगैरह कुछ कम होते हुए दिख रहे हैं? हाँ, चकत्ते भी कम हुए, गांठे पहले बन गई थी वो गांठे कम हो गई, स्वेलिंग जो पैर में थी वो स्वेलिंग कम हो गई। अच्छा। गर्दन में झालर होती उसमें स्वेलिंग थी बहुत कसी के, वो सब सही हो गई है। अच्छा, कुल मिला के आपको ई फीड का रिजल्ट अच्छा रहा? अच्छा रहा। हाँ, तो ई फीड का अभी तक की आपने जो है प्रीमिक्स यूज किया है ना, दूध फैट स्नप वगैरह बढ़ाने वाला पाउडर? हाँ, उसमें फैट दूध में भी वृद्धि हुई है, फैट जो है इसमें फैट अच्छी आती है। हाँ हाँ हाँ। और इसमें लंपी सुरक्षा कवच है, इसमें जो है ये तो बिल्कुल एकदम रामबाण है इसके लिए। गाय तुम्हारी सही है, चारा खा रही है, ठीक है, दूध भी दे रही है, पहले मैंने सब सही हो गई है। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के आपका ई फीड के साथ अनुभव कैसा रहा, अच्छा रहा? हाँ, अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि हमें तो बहुत फायदे हुए हैं। हमारी जो है इसी गाय को हम खिला रहे थे, वो पहले प्रीमिक्स, तो फैट और स्नप जो है उसमें वृद्धि हुई, दूध भी सही हो रहा निकल रहा था, और लंपी लिया है सुरक्षा का बस, उससे तो बहुत जो है आराम मिली गाय को। थोड़ा उजाले में जाइए, आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, अभी सही है, अभी सही है, ठीक है ठीक है। कुलदीप जी, तो अपने गांव में भी इसके बारे में आप बताते हैं लोगों को, ई फीड के बारे में? और एक दो लोगों को लंपी सुरक्षा कवच का जो प्रोडक्ट था वो हमने एक दो लोगों को दिया भी है। अच्छा, प्रीमिक्स भी दिया है,
एक लोगों को प्रीमिक्स दिया तो उनकी बच्चिया थी दो तीन साल की होगी, वो हीट पे नहीं आ रही थी, उनकी हीट पर आ गई। वही उन्होंने काऊ वाला अपनी जो है पड़िया थी भैंस की, उसे खिला दिया, वो हीट पर आ गई। अच्छा अच्छा, कुल मिला के आपका अनुभव अच्छा रहा। वैसे हमारे पास भैंस के लिए भी अलग आता है और गाय के लिए अलग आता है, दोनों के लिए प्रीमिक्सेस अलग अलग आते हैं। वो हमारे पास दोनों है, लेकिन वो ले एक ही गए, काऊ वाला उनके पास गाय थी तो वो उन्होंने दोनों को खिला दिया। अच्छा ठीक है, ओके कुलदीप जी, आपसे बात करके काफी हद तक जानकारियां हमें मिली और अच्छा रहा। ठीक है, और बताओ तो वीडियो इसका पहले का वो डाल दें आपके पास, सेंड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो भी दे दीजिएगा। और आपका ये फीडबैक बहुत अच्छा रहा, ये हम अन्य किसानों तक भी पहुंचाएंगे कि हमसे जो जुड़े हुए किसान भाई हैं उनको किस हद तक फ़ायदा मिल रहा है ई फीड से जुड़ने पे। ठीक है, धन्यवाद।